डैशबोर्ड है मेरा, ये डैशबोर्ड में आपको देख सकते हो कि क्या क्या है। ये मैंने अपना स्पेशल लगवाया है, ये इसमें डिस्प्ले लगा हुआ नहीं आता है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस आज अपने ही गाड़ी की रिव्यू देंगे आप लोगों का करके कि कैसा गाड़ी है, डिजायर टूरिस्ट लेने के क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे आज इसी ब्लॉग में। तो प्लीज़ ब्लॉग का एंड तक बने रहना आप लोग, और चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप लोग को फटाफट मिलता रहेगा। इस चलिए गाइस वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो कर लेते हैं फटाफट स्टार्ट और दिखाते हैं अपनी गाड़ी और कैसा गाड़ी में क्या फीचर्स है, गाड़ी के जो नए वाले टूर बेस मॉडल जा रहे हैं उसमें क्या उन्होंने डिफरेंस किया है और 22 मॉडल तक क्या उन्होंने चेंजेस किया है, तो सारे डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग के अंदर तक बने रहना। तो चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं सारी डिटेल्स। आप देख सकते हैं ये है मेरा कार जिसका नाम है डिजायर टूर एस, ठीक है, और ये है मेरी ऑल इंडिया परमिट का नंबर जो आप देख सकते हैं, और इसकी मैंने दो लाइट और लगवाई एक्स्ट्रा नीचे, और इसकी कैरियर भी लगाई मैंने इस तरीके से। कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और ये साइड वाइजर पट्टी लगाई है मैंने, ये जो आप देख रहे हो ये इस वाइजर पट्टी लगवाना जरूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में पानी, अगर आप शीशा डाउन करके चलते हो तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। और मैंने जय श्री श्याम लिखा क्योंकि मैं श्याम भक्त हूँ, जय श्याम खाटू श्याम का, तो इसलिए मैंने जय श्री श्याम शीशे पर लिख दिया है कि कोई बंदा अंदर दारू पे बैठ के पीने से पहले देख ले तो ना पिए, लेकिन लोग बेशर्मी की हद पार कर देते हैं तो इस तरीके से। हाँ, और टैक्सी गाड़ी में ये चीज़ कंपलसरी है, ये अगर नहीं लगवाते हो क्या कहते हैं अपना ये पट्टी, तो इस पट्टी पे भी चलान है तगड़ा वाला। तो ये मैंने डिजाइनिंग करवा रखी है लाइट पे पट्टी की, बट ये वाली उखड़ रही है, क्या करें, इसको चिपकाऊंगा कुछ, इसको बढ़िया से चिपकाऊंगा। और ये भैया थर्ड नंबर वो होता है, मतलब आपकी डिटेल्स है ना, ये भी लगवाना जरूरी है, नहीं तो इससे अगर नहीं होगा ना तो आपका चलान कट सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, और अपना पीछे से भी गाड़ी का फेस दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये पीछे का हिस्सा है, और ये देख सकते हैं यहाँ मैंने कैमरा लगाया है, और ये अपना यूट्यूब का लोगो पीछे है ताकि किसी को दिखे तो। और ये मेरे से बैक करते वक्त लग गई थी बारिश में, जब मैं कैमरा नहीं लगवा रखा था तो ये पीछे खंभा था, मैं दिखा नहीं और एकदम से लग गई, तो किस्मत खुद किस्मत है कि ये बम्पर लगाने ये लगा हुआ था, इससे बेनिफिट मिल गया कि ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, इसीलिए उस तुरंत जाके ये कैमरा लगवाया और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे भी मेरा गाड़ी पे आशा ट्रैवल्स करके लिखा हुआ है, और आशा ट्रैवल्स का मतलब 80 ब्लॉक, ए से आशा, टी से ट्रैवल, 80 ब्लॉक। तो ये चीज़ ये है, ये अपना सीएनजी का नोजल, सीएनजी का नोजल इसका है बेनिफिट ये कि अगर ये निकाल दिया ना तो भैया गाड़ी चालू नहीं होगी, ठीक है, तो ये चीज़ भी देख के चलना होता है और इसको टाइट करके रखना, नहीं तो ये कभी क्या होता है कि ये अगर कोई किसी ने निकाल लिया ना तो मतलब फिर आपको 25-2600 रुपये का आता है लगभग, ऐसे खर्च करना पड़ेगा। तो ये फिर मैंने वाइजर की पट्टी लगवा रखी है, इस पट्टी से क्या होता है थोड़ा स्क्रेच कम आने के चांसेस होते, बट थोड़ा सा अब ये देख सकते ये मतलब छोटी सी गलती होती रहती है, और टैक्सी लाइन ऐसा है कि टैक्सी लाइन में आपको तो गलती तो होगी भाई, तो ऐसा है। और डिजायर की सबसे बड़ी बैंड बचती है ये साइड पट्टी जो आप ये देख रहे हो, ये वाली पट्टी ही निकलती है सबसे पहले। तो चलिए गाइस मैं आपको अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ, और व्हील पे देखिए ऐसा व्हील कवर लगता है तो गाड़ी का लगता है कि हाँ लग्जरी गाड़ी है और सेडान गाड़ी को माना ही जाता है। तो चलिए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको कि अंदर क्या क्या है इसके अंदर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अंदर कचरा भरा हुआ है, कचरा नहीं भरा हुआ है मतलब बोतल वोतल रखा हुआ है पानी वानी का। तो ये है अंदर का व्यू गेट खुलते ही, और ये है अपना डोर वाइजर जो डोर का वो, ये डोर अपना पानी बॉटल वगैरह रखना काफ़ी स्पेस है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें दो विंडो का दिया हुआ है, और अपना शीशे लॉक गेट लॉक का ये सारा लॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और अभी जो आ रहे हैं नए वाले में ये सब बटन हटा दिया है, उसमें नहीं है बिल्कुल, नए वाले जो आ रहे हैं टूरिस्ट उसमें ये सब हटा दिया है, तो ये दिक्कतें आती है। और ये मैनुअली शीशा सेटिंग मिरर का ऐसे 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 करके अपना सेट कर सकते हो, तो इस तरीके से मैनुअली वाला है, पहले बटन से आता था इस तरीके से। बाकी आपको ये स्पेस दे दिया है, यहाँ पे कुछ पर्ची वगैरह या चिल्लर रख सकते हो,
और रखने का बेनिफिट भी अच्छे हैं कि आपको जेब पॉकेट बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सो गाइस आपको ये देख सकते हो, ये डैशबोर्ड है मेरा, ये डैशबोर्ड में आपको देख सकते हो कि क्या क्या है। ये मैंने अपना स्पेशल लगवाया है, ये डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले लगा हुआ नहीं आता है, ठीक है। आप लोग सेटिस्फाई होंगे, कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करना। और अपना एसी का भी देख सकते हैं, एसी का कुछ डिजिटली वाली शीशा कुताब इस तरीके से आ गया है, और अपना यूबीएस चार्जर का इस तरीके से आ गया है। और उसके बाद काफ़ी स्पेस मिल जाता है गाइस आपको यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी छोटा मोटा यहाँ रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, अंदर स्पेस है यहाँ पे। लेकिन नए वाले में थोड़ा ये सब चीज़ डैशबोर्ड का भी चेंजेस किया है। अगर मेरे पास कोई भाई भी नए डिजायर गाड़ी के कभी मैं रिव्यू लूँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ये एक्स्ट्रा फैन लगवा रखा है। इसका बेनिफिट पता क्या है, जब एक पे एसी चलाओ ना तो इसको चालू कर दो भाई साहब, पूरी गाड़ी में कूलिंग कर देता है, तो इसका बेनिफिट ये है। बाकी आपका एक ये डैशबोर्ड पे ये मोबाइल वोबाइल रखने का या वॉलेट रखने का ऑप्शन ही मिल जाता है इस तरीके से। बाकी ये अपना इस तरीके से है ये, और आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी पावर विंडो है, वो रहा बटन, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अपना ये मैंने सामने मोबाइल होल्डर लगा रखा है, सामने देख रहे हो मोबाइल लगा भी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और टैक्सी में दिल्ली नंबर गाड़ी में तो आप समझ सकते हो कि ये पैनिक बटन लगाना जरूरी है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अपना ये स्टेयरिंग है, और मेरी गाड़ी कितनी किलोमीटर चल गई वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने ली थी 2022 में 9वें महीने में, गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुए थे, पर गाड़ी मुझे मिला था 10वें महीने 5 तारीख को। तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कितनी चल गई है, लगभग 70,000 के आसपास चल गई है। तो ये चीज़ें हैं गाड़ी की। और ये देख सकते हैं इस तरीके से हॉर्न वगैरह है, ये अपना लाइट वो है, अपना डीपर वगैरह लाइट का सारा ये करने का, इधर वाइजर को हो गया अपना ये करने का, ऐसा है सिस्टम। बाकी आप म्यूजिक प्ले मैंने लगा रखा है, अपने बेनिफिट है, इसका गाने वगैरह वीडियो खाली टाइम में बैठ के देखते रहता हूँ। तो ये चीज़ है, और आप भी कोई बच्चे बच्चे हैं तो उसको भी कर सकते हो आप। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये आगे का डैशबोर्ड का मैं व्यू दिखा दिया, अब चलते हैं पीछे वाला स्पेस खोलते हैं डिक्की का, ये करते हैं बंद, अब खोलते हैं पीछे का ये। तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, पानी बोतल रखने का जगह है, इसमें ये है। और ये पीछे वाला ना पावर विंडो ख़त्म कर दिया उन्होंने, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ और शीशा खुलेगा, और ऐसे ऐसे बंद करो ये शीशा बंद हो जाएगा, मतलब मिरर। और ये कम्फर्टेबल ये सीट होता है, मतलब सेडान गाड़ी इसलिए माना गया, दोनों साइड ऐसा ही है। बाकी स्पेस पहले से तो भाई बेहतर है, मैंने इसी देखा है, पहले भी अच्छा था लेकिन अभी भी उससे भी अच्छा है ये। तो इसमें आप देख सकते हो बैठ कर एक आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। बाकी ये पॉकेट है पीछे का जेब का, उसमें गाड़ी में होता है हर किसी के डिक्की में, कुछ भी कस्टमर खाना वाना खा के अपना डस्टबिन बना ले इसको, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। बाकी अपना पीछे अपना इसके पीछे म्यूजिक सिस्टम है जो यहाँ पर होता है हर गाड़ी का, आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर होता है। तो ये सारी रिव्यू रहा, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब। दिखाते हैं डिक्की का फेस स्पेस, डिक्की में ये होता है स्पेस, स्पेस तो अच्छा खासा है डिक्की का। ये मेरा कम्बल रखा हुआ है इधर रात को सोने के लिए, जो कभी बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहते तो कम्बल मोस्टली लेके चलता ही है। ये अपना तिरपाल हो गया, रस्सी उस्सी बांधने के लिए हो गया, और ये अपना बैग हो गया, एक दो जोड़ी कपड़ा इसमें डाल के रखते हैं ताकि कहीं नहाना धोना पड़ गया कभी अटक गया। और इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे आपको दिख रहा हो कूलिंग का डब्बा वगैरह, एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि कल को रास्ते में दिक्कत ना हो। बाकी इसके नीचे टूल वगैरह है, टूल किट, वो हो गया क्या बोलते हैं अपना एक पहिया जिसको बोलते हैं स्टेपनी, तो वो चीज़ है। और बाकी गाड़ी साफ करके अपना सीएनजी के ऊपर कपड़ा मैंने डाल रखा है सूखने के लिए कि सूख जाए। तो ये स्पेस है, बाकी स्पेस डिक्की में ये लाइट वगैरह भी है अच्छा खासा इस सब में, और जब ये स्पेस अच्छा है मतलब पीछे के हिस्से में ज़्यादा, लेकिन सीएनजी के लगने से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, लेकिन ठीक है। इसीलिए सीएनजी गाड़ी में ना बाहर के आउट स्टेशन रूट पर तो ये कंपलसरी डिजायर का वो कर रखा है इन्होंने अपना कैरियर जिस तरीके से। तो चलिए गाइस अब बारिश आ गई बाहर, फटाफट चलते गाड़ी के अंदर। आपने देखा कि गाड़ी का मैंने डीआर का रिव्यू अपने कार का दिया है, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करना। अगर कुछ भी आपको लगता है कि हाँ इसमें मॉडिफाई कराना चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताना, उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी कमेंट और सजेशन से भी हम लोग को एक मोटिवेट मिलता है, और इस तरीके से चलता है हर चीज़। क्योंकि देखिए अपना अपना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब सामने वाले को अपना अच्छा लगता है ना, सामने मेरा सामने वाले को अच्छा लगता है तो वो चीज़ हमें अच्छा लगता है करने में। तो सो गाइस आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे था,
कैसा लगा कमेंट करना, प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भाई डीआर लेना चाहते हो उसमें बहुत डिफरेंस आई है नए वाले में, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।